सो हैप्पी बर्थडे गूगल. आज आपको पता है वी आर सेलिब्रेटिंग द 23rd बर्थडे ऑफ गूगल, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं. कुछ भी हमें ढूंढना होता है, कुछ भी हमें सर्च करना होता है, द ओनली आंसर वी हैव इज गूगल कर लो, राइट. सो हेलो एवरीवन, दिस इज तोशिबा शुक्ला, योर पेपर वन फैकल्टी एट बायजूस एग्जाम प्रेप. गूगल की स्टोरी मैं आज आपको एक शॉर्ट 4-5 मिनट में बताऊंगी, और स्टोरी के साथ साथ दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर ICT, बिकॉज कुछ इन्वेंशन ईयर्स रहेंगे. ऑल्सो इट विल बी अ मोटिवेशनल स्टोरी आपके एग्जामिनेशन के लिए. सो गूगल वॉज अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट. दो लोग आपको पता है, हु आर द टू फाउंडर्स, सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज. दीज टू स्टूडेंट्स वर टुगेदर, दे वर स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड. ये अपना PhD कर रहे थे, बिकॉज यू ऑल विल बी डूइंग, प्रोबेबली मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन टू PhD. सो दीज टू पीपल वर डूइंग देयर PhD. इनका एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, जिसको उन्होंने वेबसाइट, जो जितने भी इंटरनेट पे वेब पेजेस हैं, उसकी रैंकिंग के लिए बनाया था. देर वॉज ऑल्सो अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व इन विद दीज टू, जो लेटर ही लेफ्ट एंड ही ओपन हिज ओन कंपनी दैट वॉज बेस्ड ऑन रोबोटिक्स. सो सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज, दीज टू पीपल फाउंडेड इट. एंड ऑफिशियली इनका जो गूगल का जो नाम है, गूगल का नाम ओरिजिनली गूगल नहीं था, इट वॉज गूगल. गूगल मीन्स 10^100, मतलब 10^100. इतना ज़्यादा वेब पेजेस और पावर ऑफ इंटरनेट और द सर्चिंग दे वॉन्टेड टू एक्चुअली डेवलप, बट अपेरेंटली दैट वॉज नॉट अवेलेबल एज अ डोमेन. देन फाइनली 1998 दे गॉट द डोमेन, उनको डोमेन नेम मिल गया एंड दे वर ऑफिशियली अ कंपनी. इनको शुरू में फंडिंग नहीं मिली थी. सो गूगल की अगर स्टोरी मैं मोटिवेशनल तरीके से आपको बताऊं, तो इट इज समथिंग दैट वी से इट स्टार्टेड फ्रॉम गैराज टू गूगल प्लेक्स. अभी जो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में गूगल का ऑफिस है, इट इज कॉल्ड एज गूगल प्लेक्स. इट इज हैविंग सो मेनी एम्फी थिएटर्स. इट इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1000 एम्प्लॉयज वर्किंग देयर. एक गैराज से स्टार्ट हुई, नॉट इवन अ गैराज. अगर हम गूगल की और पुरानी शुरुआत देखें तो डॉम से शुरू हुआ था. ये दो व्यक्ति, इन लोग जब पहली बार दीज टू पीपल मेट, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था. दे वर नॉट अग्रीइंग टू एनीथिंग, बट इवेंचुअली दे हैड दिस इंजन. और इसका जो एल्गोरिथम था, इट वॉज इनिशियली नेम्ड एज बैकरब. सो गूगल का नाम शायद बैकरब भी हो सकता था, बट नाम चेंज हो गया एंड वी हैड गूगल. वी वर फॉर्चुनेट इनफ. एक मजे की बात और आपको बताती हूँ. इनिशियली गूगल को इन्वेस्टर्स मिले, वी कॉल देम एज एंजल इन्वेस्टर्स. वहाँ से इन्होंने अपने डॉम से एक गैराज में आके अपना ऑफिस बनाया. एंड इंटरेस्टिंगली जेफ बेजोस, अमेजन के जो फाउंडर हैं, वो भी एक एंजल इन्वेस्टर थे. सो गूगल ऑल्सो ट्राई टू सेल देयर सर्च इंजन टू याहू, बट याहू अपेरेंटली डिडंट एक्सेप्ट द डील. तो उसके कुछ साल बाद 2004 और 3 में याहू फिर से आया गूगल को खरीदने के लिए, एक बहुत $3 बिलियन की डील में, बट गूगल ने मना कर दिया. तो वही बात है कि आप कहाँ पहले आप किसी चीज़ को कोशिश करते हो, दुनिया को की नज़रों में लाने के लिए, बट अल्टीमेटली आप अपने आप को फिर इतना स्ट्रांग कर लेते हो कि दुनिया आपके सामने आती है, कि उसको आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो जाती है. सो विद दिस एक्चुअली द जर्नी ऑफ गूगल हैज़ बीन रियली वेरी अमेजिंग. यू मस्ट हैव सीन और नोन, 2004 में गूगल ने जीमेल निकाला. तब भी लोग हंसे थे, ये इतना जीमेल 1 GB की स्पेस पे कैसे क्या चलेगा. बट नाउ रेस्ट इज हिस्ट्री. 2005 में ICT के लिए इम्पोर्टेंट है, 2005 में गूगल मैप्स आया, 2008 में गूगल क्रोम आया. सो ऑल दीज इन्वेंशंस ईयर बाय ईयर हैव यू नो मेड गूगल स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. राइट नाउ यू हैव गूगल इज अ बिगेस्ट कंपनी ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी, जिसको आप बोलते हो अल्फाबेट. सुंदर पिचाई, सो ही इज, यस ही इज एन इंडियन. एंड सुंदर पिचाई पहले CEO थे गूगल के, लैरी पेज थे CEO अल्फाबेट के, बट राइट नाउ गूगल पिचाई इज CEO ऑफ अल्फाबेट एज वेल. सो एक पेरेंट कंपनी है गूगल, उसकी सब्सिडरी कंपनी है. गूगल इवेंचुअली वेंट पब्लिक ऑल्सो, IPO रिलीज किया, एंड नाउ वी नो इट्स अ मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी. एंड दिस सक्सेस इज नॉट वन डे और टू डे सक्सेस. दिस सक्सेस टेल्स अस अ स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड नॉट गिविंग अप, एंड बिलीविंग इन योर ओन ड्रीम्स और वट एवर वर्क यू आर पुटिंग इन टू. उन दोनों ने, दो बच्चे जो PhD कर रहे थे, दे बिलीव्ड एंड दे डिड व्हाट यू नो वी आर सीइंग राइट नाउ. सो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. एंड विद दिस इंस्पायरिंग स्टोरी, ऑफ कोर्स वी ऑल आर विशिंग आवर ओनली ग्रेटेस्ट फैकल्टी एंड मेंटोर ऑफ ऑल टाइम्स, क्या
a very happy birthday. So I hope you will learn something from it. And ऐसे ही अपना determination और motivation हमेशा बनाए रखना कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती. अगर आपने कोई चीज़ छोटी कभी भी सोची है, eventually you never know when it will turn to be the biggest success of your life. So keep on trying, keep on striving, keep on doing that hard work and perseverance. Ultimately you will get success. Right? So all the best guys and keep studying, be happy, and I will see you soon. Thank you.